हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत बेसवानी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत बेसवानी में। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं अपने मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूं, और साथ ही साथ मैंने एक और चीज बोला था कि मैं 2022 में ये चाहता हूं कि जितने भी बंदे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं वो सभी लोग एक बहुत शानदार अर्निंग करें। इसीलिए मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप एज अ वॉइस आर्टिस्ट काम कर सकते हैं। साथ ही मैं आपके लिए बताऊंगा कि कौन से सॉफ्टवेयर्स की आपके लिए जरूरत पड़ सकती है और कौन से टूल्स की आपके लिए जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहली बात आती है कि एक्चुअली में वॉइस आर्टिस्ट होता क्या है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा चेहरा आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी वीडियो चल रहा है, कोई भी टेक्स्ट चल रहा है, लेकिन आवाज मेरी है। सेम चीज आप कर सकते हैं कि आपको कोई एक कंटेंट देगा, आपको उसको पढ़ के देना है, किसी ने आपको एक ई बुक दी, वो चीज आपको पढ़ के देना है। यही आपका काम है कि जो चीज आपके लिए मिली है वो सिंपल सा रीड करके और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके एंड देन आपको उनको प्रोवाइड कर देना है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आपको अपनी वॉइस को सेल करना है, अपनी आवाज को सेल करना है। और रियली कहूं तो इसमें आपके लिए बहुत मजा आएगा। आप इसको एक बार स्टार्ट करके देखिए। कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, मोस्टली चीजें फ्री हैं। सिर्फ आपके लिए एक चीज की जरूरत पड़ सकती है, वो है एक शानदार माइक जिसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग करेंगे और आपकी आवाज जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड होगी। और साथ ही बहुत सारे माइक्स में नॉइस कैंसिलेशन भी आता है, आपके आसपास जो नॉइस हो रही है उसके लिए भी वो कम करता है। और इसके अलावा मैं आपके लिए टूल्स भी बताऊंगा जिनमें आप नॉइस कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आपके लिए किन चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली जो चीज आपके जरूरत पड़ेगी वो एक शानदार माइक की है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, हम आ चुके हैं Amazon पे और Amazon पे आपके लिए बहुत सारे माइक्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। जो बेस्ट सेलर मैं समझता हूं, या कहा जाए तो इससे पहले जो मैं माइक यूज करता था वो था बोया माइक। यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है ये बेस्ट सेलर माइक है, और ये जो है एक टाइम पे यही माइक आपके लिए 1800-2000 के आसपास मिलता था, आज इसकी कीमत तकरीबन 680 रुपीज है। तो ये जो माइक है ये आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेड है क्योंकि ये आपके बजट में भी है और रियली इसकी वॉइस बहुत ही शानदार आती है। आप 6 महीने पुराने मेरे वीडियोस देख लेना, उसमें जो वॉइस आ रही है वो बोया माइक की रहेगी। अभी जो मैं माइक यूज करता हूं वो आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो माइक आपके लिए दिखाई दे रहा है ये है फिफिन का माइक है। ये आप यहां पे देख सकते हैं तकरीबन 2290 का अभी आ रहा है। जब मैंने खरीदा था तब ये तकरीबन 3500 के आसपास मैंने लिया था। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि इसकी भी कीमत बहुत कम हो गई, तो आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके बजट में ये नहीं है तो आप इस माइक के साथ जा सकते हैं जो कि मैंने आपके लिए बोया माइक बताया है। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे अगर कोई और माइक पसंद आता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप रेटिंग सिलेक्ट कर लेना। मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप जाओगे तो ये पेज ही आपका ओपन होगा। यहाँ पे मैंने वो सारे फिल्टर्स लगा के रखे हैं, जैसे एक मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया कि जिसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी हो वही माइक आपके लिए दिखाई दे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बजट का भी माइक लगाया कि जो भी आपके बजट में आने चाहिए वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखी हैं। मैंने लिंक नीचे देके रखी है और साथ ही मैं इन दो माइक की जो बेस्ट रिकमेंडेड है इनकी भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर लेना। अब बात करें कि आपके लिए एक सॉफ्टवेयर की भी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक सॉफ्टवेयर ओपन है ये है Audacity। ये जो सॉफ्टवेयर है ये 100% फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप अगर Audacity का यूज करते हैं तो आप अपनी नॉर्मल वॉइस को भी बहुत शानदार बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इफेक्ट देके रखे हैं जिसमें से अगर आप नॉइज हटाना चाहें नॉइज भी आप हटा सकते हैं, आप इसमें नॉर्मलाइज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप किसी भी ऑडियो को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ऑब्वियसली बात है ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये एक साउंड है, लेकिन जो आपकी वॉइस होती है उसमें आप कभी धीमे बोलते हैं कभी आप तेज बोलते हैं, तो ये सारी चीजें भी आप इसके थ्रू मेंटेन
कर सकते हैं। और ये जो टूल है ये आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको आना है audacityteam.org/download। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं या जो भी पीसी है आपके पास उसके लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, मैकबुक के लिए भी है। तो आपके पास जो भी पीसी है आप उसके लिए इसको 100% फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आपके लिए एक अच्छे माइक की जरूरत पड़ती है और दूसरी जो चीज है कि आपके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो आपकी वॉइस को अच्छा करेगा। तो ये तो चीज हो गई कि आपको एज अ वॉइस आर्टिस्ट किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे बात की जाए उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिनके थ्रू आप यहाँ पे एज अ वॉइस आर्टिस्ट जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए तकरीबन 5 वेबसाइट आपके लिए बताऊंगा और ये जो 5 वेबसाइट आपके लिए बताऊंगा ये सारी की सारी टॉप वेबसाइट्स हैं। इन सभी को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इनमें से किसी भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे आपके लिए फुल वीडियो चाहिए है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन सभी के इंडिविजुअल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। और साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म में प्रीमियम पैकेज में नहीं जाना है क्योंकि उसका इतना बेनिफिट आपके लिए नहीं मिलता है। कुछ आपके लिए प्रीमियम बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन जो मेन चीज यहाँ पे काम करती है वो करती है आपकी वॉइस या फिर जो आपने डेमोज बनाए हैं। अगर आपने बहुत ही शानदार डेमो बनाए हैं, कुछ मैं आपके लिए डेमो भी यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर आपने बहुत ही शानदार डेमो बनाए हैं तो आपकी जॉब पक्की है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। पहली वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि है voices.com और ये सबसे शानदार वेबसाइट है। इन सभी वेबसाइट्स में आप चाहें तो हिंदी में भी वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो ये जो आपके लिए दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट रिकमेंडेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द नंबर वन मार्केट प्लेस फॉर वॉइस ओवर एंड ऑडियो प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लिया करते हैं कि voices.com है क्या। तो voices.com कुछ सर्विसेस प्रोवाइड करता है कि किसी को अपनी ऑडियो बुक बनवाना है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट अपनी पोस्ट करता है और हम जो कि आर्टिस्ट हैं जिनको पैसे कमाने हैं वो लोग उस चीज को फुलफिल करके दिया करते हैं। इसी टाइप से अगर किसी को अपना इंग्लिश का वीडियो हिंदी में ट्रांसलेट करवा के और उसका वॉइस ओवर करना है तो वो चीज भी आप करके दे सकते हैं। इसी टाइप से कुछ लोगों के लिए म्यूजिक का शौक होता है तो वो यहाँ पे म्यूजिक बना के भी दिया करते हैं। अब अगर बात की जाए कि आपको इसको ज्वाइन कैसे करना है तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे आप और सबसे नीचे आपके लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा टैलेंट मेंबरशिप का। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ प्लान्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे किसी भी प्लान में नहीं जाना है। जो आपके लिए यहाँ पे गेस्ट वाला $0 वाला प्लान दिखाई दे रहा है आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं, आप अपने अनलिमिटेड डेमो यहाँ पे डाल सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को यहाँ पे शो कर सकते हैं और जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर देते हैं देन आप इनविटेशन भी रिसीव कर सकते हैं, प्राइवेट इनविटेशन रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो जॉब पोस्ट होती है अगर आपको उन पे अप्लाई करना है तो आपके लिए मेंबरशिप की जरूरत है। लेकिन मैं आपके लिए बोलूंगा कि जो लोग भी यहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो ये वेबसाइट खुद रिकमेंड करती है और आप इनकी सर्चेज में भी आओगे तो आपके पास ऑब्वियसली बात है कि इनविटेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर आपके डेमो पावरफुल है। लेकिन अगर आपके डेमो पावरफुल नहीं है तो आप चाहे ये मेंबरशिप भी ले लो तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मेन जो चीज है कि जो आपको एक डेमो रिकॉर्ड करके देना है वो आप हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, लेकिन वो डेमो नॉइस फ्री होना चाहिए। मैं अभी आपके लिए एग्जांपल वगैरह सारी चीजें दिखाऊंगा। तो काम आपको एक करना है कि वीडियो को पूरा देखते रहिए, पूरी चीजें समझते रहिए, कोई चीज ना आए तो या तो वीडियो को दोबारा देखना या फिर मुझे नीचे कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना है, साइन अप फॉर फ्री पे आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं, जो भी आपका ईमेल है, कंपनी ईमेल है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपका जो सिंपल सा जीमेल का ईमेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई एक ईमेल डाल दिया है, देन आपको कंटिन्यू करना है और आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे फुल नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है और आप यहाँ पे नीचे एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू, यहाँ पे आपको वर्क एज अ फ्रीलांसर जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है
इसको आपको सिलेक्ट करना है, आई एग्री पे करना है और आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उसमें कंफर्मेशन लिंक रहेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा हुआ है तो मैं अपने अकाउंट में लॉग इन होता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका यूजर नेम या ईमेल है वो आपको डाल के और पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद जो सबसे पहला काम आपके लिए करना है कि आपको अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल भी आपके लिए दिखा दिया करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बात है अपना नेम वगैरह पहले ही आपने फिल कर दिया होंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपको अपना एक ओवरव्यू लिखना है कि आप एक्चुअली में क्या करते हैं, आप किस प्रोफेशन में थे या क्या चीज है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिखा है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को पढ़ लेना। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप अपना डाल सकते हैं कि आप किस लोकेशन से हैं, और आपको एक अपनी अच्छी खासी इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और अगर आपके पास कोई माइक वगैरह है तो मेरे ख्याल से माइक के साथ अगर आप इमेज डालेंगे तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज आती है कि आपको यहाँ पे सबसेस ऐड करनी है। सबसेस में एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वॉइस ओवर ऐड करके रखी हुई है, तो मैं इसी को आपको दिखा दिया करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे डेमो नहीं डाला है, इसीलिए अभी तक ये यहाँ पे एक्टिव नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो भी मैंने चीजें कंप्लीट कर दी हैं, जो मेरे लिए बची हुई हैं वो आपके लिए यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको सर्विस ओवरव्यू लिखना है कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं और उसमें आप क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे वॉइस ओवर स्किल्स जो जो भी आपकी हैं वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस किस टाइप के। जैसे मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं एनिमेशन टाइप के भी कर सकता हूँ, ऑनलाइन वीडियोस के लिए भी कर सकता हूँ, पॉडकास्ट, रेडियो, टेलीफोन और इसके बाद ई लर्निंग कहा जाए तो ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो इसी टाइप से आपको भी सारी स्किल्स यहाँ पे दिखाई देंगी, आपको उनमें से एक एक चीज सर्च करते जाना है। जैसे मैं यहाँ पे वॉइस करूंगा, अभी यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं वॉइस वाली चीजें ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो आपको अपनी यहाँ पे स्किल्स एड कर देनी है, देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वोकल कैरेक्टरिस्टिक। वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि आपकी जो वॉइस है वो किस टाइप की है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस जेंडर क्या है, तो मेरा ऑब्वियसली बात है मेल है। अब यहाँ पे ये चीजें मैंने थोड़ा मिस्टेक से यहाँ पे कर दी हैं। और अगर आप ये चीजें भी कर सके कि मान लीजिए आपके पास कोई किड्स वगैरह है, आप उनकी वॉइस के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये दो चीजें जो है ये दोनों में प्रोवाइड कर सकता हूँ कि मैं यंग और मिडिल एज्ड वाले लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ। आपको यहाँ पे अब लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, मराठी आती है, जो लैंग्वेज भी आती है वो सिंपल सा आपको आके और यहाँ पे सर्च करना है। मान लीजिए मैंने मराठी सर्च किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं मराठी गुजराती दोनों आ गए। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं पंजाबी सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाबी भी आ गई। तो यहाँ पे सभी रीजनल लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं कि अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करना चाहें तो वो चीज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो कि मुझे दो ही लैंग्वेज आती हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर दी। इसके बाद यहाँ पे एसेंट्स जो है, एसेंट आपके किस टाइप के हैं, तो आप यहाँ पे इंडिया की हिंदी भी बोल सकते हैं और इंडिया की इंग्लिश भी बोल सकते। तो ये मेरे ख्याल से आपको दोनों चीजें पता होंगी, तो आपको यहाँ पे एसेंट भी सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आता है स्टूडियो। तो स्टूडियो में आपके लिए सिंपल सी चीजें हैं कि आप किस किस टाइप के इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, तो वो चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रोफोन में लिखा है कि ये वाला माइक्रोफोन जो कि मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे अमेजोन पे दिखाया हुआ था कि ये वाला माइक्रोफोन मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो वाला माइक्रोफोन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला माइक्रोफोन मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑडेसिटी लिख दिया। आप अगर कोई और यूज कर रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा साउंड प्रूफिंग एंड मिक्सर्स, ये दोनों चीजें मैं कर सकता हूँ, तो मैंने ये दोनों चीजें यहाँ पे ऐड कर दी। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कोई है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, कोई टेस्टिमोनियल वगैरह है, वो आप ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे जो मेन काम आता है, वो मेन काम आपके लिए सबसे ज्यादा जो आपके लिए जॉब मिलने का मेन काम है, ये जो प्रोफाइल आपने पूरी बनाई है इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर ये जो लास्ट सेक्शन है ये आप ठीक तरीके से नहीं करते हैं। लास्ट सेक्शन है यहाँ पे डेमो, आपको यहाँ पे डेमो जरूर ऐड करना है। अगर आप डेमो नहीं ऐड करते हैं तो एक तो आपकी प्रोफाइल ही एक्टिव नहीं होगी, और दूसरी चीज है कि अगर आप अच्छे डेमो नहीं डालते हैं, आप उसका नॉइस वगैरह नहीं हटाते हैं,
हैं तो भी आपके लिए जॉब मिलना नामुमकिन है। यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल देखना है तो इन्होंने कुछ फ्री सैंपल स्क्रिप्ट भी दी है जिनको आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू मेक अ डेमो, ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये दोनों ट्यूटोरियल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए किस किस टाइप के लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए वॉइस ओवर की कुछ यहाँ पे प्रोफाइल्स आपके लिए शो कर दिया करता हूँ, तो आपके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब यहाँ पे मैंने जो सर्विस में सिलेक्ट किया है वो वॉइस ओवर किया है। स्किल्स अभी हम छोड़ दिया करते हैं, मेल या फीमेल कौन सी वॉइस चाहिए है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज आती है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में हम यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर दिया करते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे वो बंदे आ रहे हैं जो लोग भी हिंदी में आपको वॉइस ओवर प्रोवाइड करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के पास ऑर्डर आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 34 ऑर्डर्स भी हैं, 1851, तो सभी टाइप के ऑर्डर्स हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 483 यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफाइल बनी है। आप भी इसी टाइप से बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड पेज पे ये बंदे हैं लेकिन फिर भी इनके पास ऑर्डर्स हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा, आपके पास ऑर्डर जरूर आएगा, सिर्फ आपको अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। वो चीजें भी मैं अभी आपके लिए बताता हूँ। अभी हम यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल देख लिया करते हैं। जैसे आप एक ये वाली प्रोफाइल देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 49 जॉब्स ऑलरेडी कंप्लीट करके रखी हैं। और यहाँ पे जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप यहाँ पे सुनना, मानवता संकट में है और इसे केवल करुणा और प्रभावशाली कदम उठाकर ही बचाया जा सकता है। दुनिया भर में कई बच्चों को जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता। तो अभी आपने सुना कि ये जो चीज थी इसमें एक सॉफ्ट सा म्यूजिक था और दूसरा एक बहुत ही शानदार नॉइस फ्री वॉइस थी। अब इसके बाद हम किसी मैन की भी यहाँ पे सुन के देख लिया करते हैं। शेयर करें अपने पसंदीदा पलों को जो है आपके सबसे करीब निजी स्टोरीज के साथ स्नैपचैट पर। तो अभी आपने सुना कि इस बंदे ने भी जो भी चीज बोली है वो बहुत ही शानदार तरीके से बोली है। इन्होंने भी तकरीबन 2 ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। प्रोफाइल कब बनाई है वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। कोई मैं एक ऐसी प्रोफाइल यहाँ पे चेक करता हूँ जिसका मैं आपके एग्जाम्पल दिखा सकूं कि इन्होंने अच्छी तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अभी जो मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल बताए थे जिनमें आपके लिए बहुत अच्छी वॉइस मैंने आपके लिए दिखाई थी, यहाँ पे मैंने बहुत सारी वॉइस सुनी। उनमें से कुछ जो है जो कि मुझे बहुत कहा जाए तो इफेक्टिव नहीं लगी वो आपके लिए दिखा दिया करता हूं। जैसे आप एक ये देख सकते हैं, ये प्रोफाइल जिसकी भी है, मेरा इनसे कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनकी वॉइस यहां पे सुन के देखिए कि आपको सबसे पहली बात तो है कि आपको वॉइस ही समझ में नहीं आएगी क्या इन्होंने बोला है, और नॉइज इसमें बहुत ज्यादा है। खुद कर ले क्योंकि आपकी बुराई करने के लिए दुनिया है। हाय दिस इज विंसेंट हियर, मैं विंसेंट हूं, एमपी एटआरसी से। तो मेरे ख्याल से अब पता नहीं आप लोगों को ये चीज सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी, मुझे सुनाई दी थी, मैंने ये फुल वॉल्यूम में किया था। अभी मैं यहाँ पे किसी और को चलाऊंगा। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी वॉइस है। कम से कम आप अगर इतना टाइम यहाँ पे दे रहे हो, कहा जाए तो ये न्यू प्रोफाइल है एकदम, अगर आप इतना टाइम यहाँ पे दे रहे हो, सारी चीजें बना रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए डेमो में सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पे करनी चाहिए। इसी टाइप से एक और यहाँ पे जो मैंने प्रोफाइल देखी, एक तो यहाँ पे जो नाम इन्होंने लिखा है अदनान अदनान करके लिखा है, अब पता नहीं शायद इनका यही नाम हो, लेकिन मुझे ये लगता है ये बाय मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया है। तो इस टाइप से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसके बाद जब इनकी आप वॉइस सुनेंगे तो इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा नॉइज दिखाई देगी। मैं प्ले करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में। तो लेखक लिखते हैं कि मैंने आज तक अपने पापा से अमीर कुछ नहीं देखा। तो ये जो आपने एक छोटा सा कहा जाए तो 12 सेकंड का हमने एक वीडियो सुना, ऑडियो सुना, इसमें आपने देखा होगा कि मतलब 1% भी मेहनत नहीं कर रहे हो कि आप उस वॉइस को अच्छा बना सको। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे आना है, इन में से जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जिनकी भी प्रोफाइल पे अच्छे खासे रिव्यूज हैं, उनकी प्रोफाइल को आपको चेक करना है। उसमें आप देखेंगे तो बहुत अच्छे डेमोज भी आपके लिए मिल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने इतने सारे यहाँ पे डेमो दे के रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 20 डेमो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। आप इनको सुनना और उसके हिसाब से ही आप बनाना। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो भी प्रोफाइल वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीजें इन्होंने बहुत ही क्लियर लिख के रखी हुई हैं। तो इसी टाइप से आपको भी अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि इस वॉइस को कितने लोगों ने सुना है, आपके भी डैशबोर्ड के अंदर ये चीज दिखाई देगा। तो कहा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 4,000 लोगों ने सुना है, उसमें से तकरीबन
51 इनके पास रिव्यूज हैं। और यहाँ पे मान लीजिए किसी भी एक प्रोफाइल के लिए हम खोल लिया करते हैं, ये एक आपके लिए प्रोफाइल दिखाई दे रही है, हम इसको क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो प्रोफाइल है कहा जाए तो दूसरे तीसरे पेज पे आ रही है। इनकी भी प्रोफाइल को 7 लोगों ने सुना है, लेकिन इनकी शायद इतनी प्रोफाइल अच्छी ना हो कि इनको ऑर्डर मिल सके, या कहा जाए तो जो डेमो इन्होंने डाला है वो इतना इफेक्टिव ना हो कि इनको ऑर्डर मिल सके। जैसे हम यहाँ पे एक ऑर्डर इनके पास है, हम इस प्रोफाइल को भी ओपन करके देख लिया करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी डेमोज इन्होंने डाले हैं उसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए तकरीबन 14 बार सुना गया है, इसके लिए एक बार सुना गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 बार किसी ने सुना है और एक ऑर्डर भी इनके पास आ गया है। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। लॉजिक एक ही है कि आपको एक शानदार डेमो डालना है। अगर आपका डेमो इफेक्टिव नहीं है तो आप चाहे मेंबरशिप ले लो या कितने बार भी आप अप्लाई कर लो, कोई भी आपको जॉब नहीं देने वाला। ठीक है, तो ये चीज हो गया जो कि एक प्लेटफॉर्म है। आपको प्रोफाइल वगैरह कैसे बनाना है, कैसे सर्च करना है, कैसे बाकी लोगों की प्रोफाइल देख के आपको सीखना है, वो सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी। तो यही सेम फॉर्मेट आपके लिए यूज करना है, और इसके थ्रू जो पेमेंट आता है वो आपका पेपाल के थ्रू आता है, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ स्योर पे करके यूज करते हैं। स्योर पे में आपका पेमेंट जो है वो कुछ दिन के लिए होल्ड रहा करता है जब तक आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं करते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं वो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये उनका टोटल प्रोसेस है। कहा जाए तो ट्रस्टेड वेबसाइट है, नंबर 1 वेबसाइट है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखना। इसका डोमेन है voices.com, मैं इसकी लिंक भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। इसी टाइप से जो दूसरा प्लेटफॉर्म आता है voice123, देखिए अभी इन सभी के मैं आपके लिए लॉगिन वगैरह प्रोसेस वगैरह नहीं बता सकता, लेकिन ये सारी वेबसाइट्स काम सेम तरीके से करती हैं। सेम आपके लिए सभी जगह प्रोफाइल बनानी है। अगर आप फाइंड करेंगे तो जो एक बंदा आपके लिए यहां पे मिलेगा वही बंदा आपके लिए इन वेबसाइट्स पर भी मिल जाएगा। मैंने यहां पे जब मैं रिसर्चिंग कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे बंदे थे, एक ही प्रोफाइल थी और उन्होंने 2-3 जगह कहा जाए तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे बना के रखी थी। तो आपको करना क्या है, आपको सभी जो भी मैं अभी वेबसाइट बताने वाला हूं उन सभी में जाके और आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है, और प्रोफाइल बनाने के बाद आपको डेमोज वगैरह सारी चीजें आपको ऐड कर देनी है। ऑर्डर आपके पास विद इन 1 or 2 days के अंदर आपके पास ऑर्डर आ जाएगा अगर आपने एक शानदार प्रोफाइल बनाई है और एक बहुत ही शानदार डेमो बनाया है। तो ये जो है ये है सेकंड वेबसाइट जिसका नाम है voice123, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंपल सा आपको ज्वाइन करना है एज अ वॉइस एक्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए एक बटन दिखाई दे रहा है ज्वाइन एज अ वॉइस एक्टर, आपको सिंपल सा इस पे जाना है और आपको यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना है, प्रोफाइल वगैरह बना लेना है। तो ये वाला भी प्रोसेस आप कर लेना। अभी मैं आपके लिए सिंपल से डेमो दे रहा हूँ, आप जिस भी प्लेटफॉर्म के बारे में बोलोगे, अगर आप सभी के बारे में बोलोगे तो मैं एक एक करके सभी के वीडियोस भी आपके लिए बना दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है फाइवर। ये जो है यहाँ पे भी आप जाएंगे, यहाँ पे भी आप अगर वॉइस ओवर अगर सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 23,000 गिग्स यहाँ पे ऑलरेडी बनी है, लोग यहाँ पे वॉइस ओवर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कहा जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी की जिनकी भी प्रोफाइल है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,000, तकरीबन 700, 560, 344, इसी टाइप से बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं लोगों के पास और आप ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, अगर आप हिंदी का भी सिलेक्ट करना चाहें तो हिंदी में भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। मेन चीज यह है कि जो चीज आपको अच्छी तरीके से आता है, आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, अच्छे से डेमो बना सकते हैं, वही चीज आपके लिए करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको इंग्लिश बोलना भी ठीक से नहीं आती है, या आप मान लीजिए स्पेनिश का बना रहे हैं कि स्पेनिश आपको बोलना भी ठीक से नहीं आती है और आप उसकी एक गिग बना दें, तो वो चीजें आपको नहीं करना है। और कंप्यूटराइज वाली चीजों को भी यहाँ पे ट्राई मत करना। मेरे ख्याल से लोग यहाँ पे आते इसके लिए हैं कि उनको एक मैनुअल वॉइस मिल सके। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपके लिए समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी वॉइस के साथ यहाँ पे भी एक गिग आप चाहें तो एक यहाँ पे गिग बना सकते हैं। इसी टाइप से जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है इसका नाम है मेलो स्टूडियो, आप भी यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आप एज अ वॉइस आर्टिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट योर वॉइस डेमो, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना डेमो यहाँ पे सबमिट
सबमिट कर सकते हैं। आपको ये पूरा फॉर्म वगैरह पूरा फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लास्ट में अपनी डेमो फाइल पिक्चर वगैरह सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी और विद इन 1 या 2 डेज में ही आपकी प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कुछ इस टाइप से दिखाई देना शुरू हो जाएगी और आपके पास जो भी ऑर्डर आएंगे वो आपके पास डायरेक्ट ईमेल के थ्रू आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर किसी में भी रिक्वेस्ट अ कोट करूंगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आमिर ए करके इनका नाम है, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट अ कोट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका नेम यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है और जो भी कोट जाएगी, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपके लिए डायरेक्ट आपके मेल पे आएगी। तो ये जो है इसी टाइप से आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पे शो होने शुरू हो जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने पूरे फिल्टर वगैरह बना के रखे हैं इंडिया के लिए, लैंग्वेजेस के लिए। लैंग्वेज अगर आप हिंदी भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी भी आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भी लोग हैं इन्होंने हिंदी में अपनी वॉइस यहाँ पे ऐड किया। तो अभी जैसे हम कोई एक प्ले करके देख लिया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, तो अभी आपने सुना कि इस टाइप से ही आपको रिकॉर्ड करनी है और आपकी ऑब्वियसली बात है कि आपकी वॉइस ही है जो कि सबसे शानदार होनी चाहिए। तो एक और ये प्लेटफॉर्म भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है voplanet.com करके, ये भी सेम इसी टाइप का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आप एज अ वॉइस आर्टिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये साइन अप का बटन दिखाई दे रहा है इस पे जब आप माउस लेके जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप एक पॉपअप आएगा जिसमें आपके लिए लिखा रहेगा साइन अप एज अ वॉइस एक्टर और वॉइस वायर। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे साइन अप करना है और अभी आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको हायर करना है काम करना है। तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली बात है काम करना है, पैसे कमाना है, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके और अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बना लेनी है। तो ये जो फॉर्म है ये आप फॉर्म वगैरह फिल करके अपनी प्रोफाइल बना लेना, शानदार प्रोफाइल बना लेना। और यहाँ पे हेल्प के लिए आप आना और यहाँ पे सारी चीजें आप चेक कर लेना क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए वॉइस एक्टर्स वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी दिखाई जाती हैं क्योंकि क्लाइंट्स ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पे रहेंगे लेकिन वॉइस आपको अपनी ही यूज करना है, आपको अपनी वॉइस यूज करना है, उसी को अपलोड करना है क्योंकि जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा आपकी वॉइस सुनने के बाद ही आएगा। और ऐसा हो सकता है कि किसी और की वॉइस आपने ऐड की होगी तो आपके पास ऑर्डर भी आ जाएगा तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आई होप लॉजिक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने आपके लिए 5 प्लेटफॉर्म बता दिए, साथ में आपके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है वो सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बस लास्ट एक चीज है कि आपको इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म के बारे में या सभी प्लेटफॉर्म के बारे में इंडिविजुअल ट्यूटोरियल चाहिए है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली, जो लोग भी घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी वॉइस सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।